ओके, तो आज के इस वीडियो में हमारे पास ये फायर प्रूफ ब्लैंकेट, और इस ब्लैंकेट से हम किसी भी चीज को जल्दी से बचा सकते हैं। तो देखो, आज हम कुछ अलग अलग चीजों को पहले जलाएंगे और फिर इस ब्लैंकेट से उन्हें बुझाने की कोशिश करेंगे, और देखते हैं ये ब्लैंकेट उन चीजों को बुझा पाता है या फिर नहीं। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये ऑलरेडी थोड़ा गंदा है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसे एक बार टेस्ट किया है। बाकी ये ऊपर से ही गंदा है, ये काम तो भी परफेक्ट करेगा। और हाँ, ये ब्लैंकेट काम करे या फिर ना करे, लेकिन वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप वीडियो को अभी से लाइक कर दो और हो सके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो देखो, ये जो फायर प्रूफ ब्लैंकेट है, ये बना है फ्लेम रिटार्डेंट मटेरियल से। मतलब हम इससे नॉर्मल आग तो एकदम आसानी से बुझा सकते हैं, लेकिन आज हम नॉर्मल आग तो बुझाएंगे ही, लेकिन इसके अलावा हम इन फायर ट्रैकर्स को भी बुझा कर ट्राई करने वाले हैं। और भाई सब, ये जो अनार है, ये लोहे को भी एकदम आसानी से पिघला सकती है। तो क्या हम इस अनार को इस ब्लैंकेट की मदद से बुझा सकते हैं? और इसके अलावा हमारे पास ये फुलझड़ी भी है, इससे भी हम इस ब्लैंकेट की मदद से बुझाने की ट्राई करेंगे। और तीसरा हमारे पास है ये गैस टॉर्च, और ये तो और भी ज़्यादा खतरनाक है। तो चलो इसे भी ट्राई करते हैं बुझाने की। ओके, तो गाइस मैं आपको प्लान बताता हूँ। इस गमले के अंदर हम सारी चीज़ों को एक एक करके जलाएंगे और फिर ब्लैंकेट से कवर करके बुझाने की कोशिश करेंगे। तो अभी सबसे पहले इस फुलझड़ी को जलाते हैं। ओके, तो गैस टॉर्च की मदद से हमने फुलझड़ी को जला दिया। अब जल्दी से बस फायर प्रूफ ब्लैंकेट इसे बुझाते हैं। इसे कवर करने पे तो कुछ भी एज सच हुआ नहीं, क्योंकि गमले के नीचे भी एक होल है जहाँ से ऑक्सीजन सप्लाई इजिली मिल रहा था। तो अब क्या करते हैं, सीधा ही इस ब्लैंकेट से फुलझड़ी को बुझाते हैं। और भाई साहब, सच में इसने फुलझड़ी को बुझा दिया। अगर आप फुलझड़ी को पानी में भी डालकर बुझाओगे तो भी ये नहीं बुझती, और इसने एक बार में बुझा दिया। तो अब इस अनार को भी ट्राई करते हैं। अनार के सामने तो ये ब्लैंकेट फेल हो गया, क्योंकि आप देख सकते हो ब्लैंकेट के अंदर एक बड़ा सा होल हो गया। बट कोई नहीं, अब लास्ट गैस टॉर्च को भी हमें टेस्ट करना है। वैसे गैस टॉर्च तो किसी भी चीज को बिल्कुल आसानी से पिघला सकता है। बट वेट भाई, गैस टॉर्च से भी ये कपड़ा नहीं जल रहा, लेकिन ज्यादा देर तक एक जगह पे फ्लेम को रखने पर ये पिघलने लगा। और ये जलने के बाद पता नहीं क्यों शीशे ऐसा शार्प और थोड़ा स्ट्रांग हो गया। तो गाइस, हमने इसे टेस्ट कर लिया और हमने इससे कुछ अलग अलग आग को बुझा कर देखा, और ये काफ़ी बढ़िया काम करता है। मतलब नॉर्मल आग को तो काफ़ी आसानी से बुझा सकता है, लेकिन बात करें फायर क्रैकर्स की तो थोड़ा सा मुश्किल है इससे बुझाना। ऐसे काम तो ये काफ़ी बढ़िया करता है, मतलब हम इससे नॉर्मल आग को बिल्कुल आसानी से बुझा सकते हैं, और काफ़ी चीज़ों को हम इसकी मदद से जलने से बचा सकते हैं। तो इसे हम अपने किचन में रख सकते हैं यूज़ के लिए। बाकी आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप चैनल पर नए हो तो।